हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अपने स्कोर को लेके। आपने आंसर की से सारे क्वेश्चंस को मैच कर लिए होंगे और अब आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं अलग अलग स्ट्रीम्स में। तो बच्चों, जैसा कि बीएससी एग्रीकल्चर इन बीएचयू के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस किया है और ये पाया है कि अगर आपके मार्क्स मोर देन 70% बन रहे हैं, यानी 600 में अगर आपके 420 430 प्लस आ रहे हैं, तो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीएचयू का मेन कैंपस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट ईयर कभी मैंने मार्क्स को देखा, जैसे लास्ट ईयर तो इंट्रेंस बेस था, चलो वहाँ पे आपको कॉल की गई थी, मोर देन 70% मार्क्स पे ही बुलाया गया था। तो यहाँ पर भी हम उसी हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर 420 30 नंबर से या 450, तो आप समझ लीजिए बिल्कुल आपके लिए सेफ माना जाएगा। तो इतना अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, स्कोर आ रहा है आपका, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, मेन कैंपस आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेने का, लेकिन फाइनली चीज़ें तो आपकी जब स्कोर आएगा आपका फाइनली सीयूईटी का तभी डिसाइड होगा। लेकिन बेफिक्र रहिए, अगर आपका 400 प्लस 420 से या 450 के आसपास बन रहा है तो आप फाइनली सेफ हैं। अदर सब्जेक्ट का भी मैं लेके आने वाला हूँ पूरा एनालिसिस करके, बीकॉम हो गया, चाहे बीए आर्ट्स, सोशल साइंसेज, सबका बैक टू बैक लेके आ रहा हूँ। फिलहाल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप जान जाइए, 420 30 प्लस अगर आप हैं तो आपको एग्रीकल्चर बीएससी में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। कोल्हापुर।